तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक सस्ती पावरफुल बड़े साइज वाली आरसी कार खरीदने के लिए, तो फाइनली गाइस अमेज़न के ऊपर ये कार बिक रही थी। कल ही मैंने इसको खरीदा है। इसका प्राइस पता है सिर्फ 3500 रुपीज है। मेरे को तो यार खरीदते वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी कार खरीदूंगा, वो भी 3500 रुपीज में। फाइनली कार मेरे पास आ चुकी है। आज गाइस इसको अनबॉक्स करेंगे, ट्रैक के ऊपर चलाएंगे, प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कार खरीदने लायक भी है या फिर नहीं। साथ में गाइस इसके साथ मैंने बहुत सारे बड़े साइज के मॉन्स्टर कार्स भी ले लिए, जैसे कि ये हमारी बैटमैन आरसी कार, ये है 6 टायर्स वाली कार, और ये है ग्रेव डिगर मॉन्स्टर आरसी कार। देखते हैं गाइस क्या हमारी ये सस्ती वाली कार ये महंगी कार जितनी पावरफुल है भी या फिर नहीं। चलो गाइस पहले इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये कार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मोटर दी गई है। इसका साइज है 1:8। 1:8 की कार्स काफी ज्यादा बड़े साइज की होती है और ऑफ रोड में भाई एकदम मस्त चलेगी, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। बाकी आज देखते हैं क्या सच में ऑफ रोड में चलेगी या फिर नहीं। बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना एक बार। इसका साइज तो देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस भाई सच में काफी ज्यादा बड़े साइज की कार है, वो भी सिर्फ 3500 रुपीस में। मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा गाइस इतनी बड़ी कार मैंने सिर्फ 3500 में खरीद ली है। यहाँ पे इसका रिमोट है, ये इसकी बैटरी और चार्जर है। बैटरी भी काफी ज्यादा बड़े साइज की मिली है इसके साथ। नो डाउट बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसकी। सस्पेंशन यहाँ पे स्प्रिंग वाले दिए गए हैं, सस्पेंशन भी काफी ज्यादा स्मूथ है, सामने के भी पीछे के भी। टायर्स ओ भाई एंटी रेजिस्टेंट टायर इसके अंदर दिए गए, यानी कि आप इसको जितना भी टॉर्चर कर लो ये टायर्स बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अगर कोई भी एक टायर खराब हो जाता है तो ये टायर से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी इसके अंदर दिया गया है। इसके ऊपर लाइट्स की बात करूं तो यार लाइट्स तो कहीं पे भी इसके अंदर नहीं दिए गए। दिखने में कार काफी ज्यादा मस्त है, नीचे भी दिखा देता हूं। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, आप चाहे तो इसके अंदर काफी बड़े साइज की बैटरी भी लगा सकते हो। बाकी रिमोट भी एक बार दिखा देता हूँ। रिमोट थोड़ा सा छोटा है पर काफी ज्यादा हैंडी है, आप कार को सिंगल हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक मेरे को लग रही है। बाकी एक बार बैटरी भी निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बैटरी मिलेगी मेरे को ये कार के साथ। तो चलो गाइस इसके लिए अभी मैंने एक ट्रैक बना दिया है, वो ट्रैक बता देता हूँ मैं टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी रेत है तो शुरुआत हमारे ट्रैक की यहीं से ही होती है। देखो ट्रैक के ऊपर जहाँ पे भी देखो आपको सिर्फ रेत ही रेत नजर आ जाएगी। ये इतना ज्यादा खतरनाक ऑफ रोड है कि ऑलमोस्ट आधी कार्स मेरे को लगता है यहाँ पे चलते चलते ही फंस जाएंगी। फिर अगर कार ये रेत में से निकल जाती है तो कार को यहाँ पे ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, चढ़ाई करके ये दीवार के ऊपर से यहाँ पर आकर इसको फिसल के नीचे जाना पड़ेगा। फिर हमारी कार जैसे ही ये स्लोप के ऊपर आएगी, देखो कार यहाँ से पलट भी सकती है क्योंकि ये स्लोप काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा है मेरे को। अब कार को ये ईंटों के ऊपर से चढ़ के यहाँ पे आना पड़ेगा, तो कार को यहाँ से ऊपर चढ़ाई करके यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं रिंग्स ऑफ फायर, देखो गाइस इस तरीके से यहाँ पे फायर लगेगी। भाई बहुत ज्यादा आग लग रही है यहाँ पे। ये रिंग्स के अंदर से हमारी कार को निकल के आना पड़ेगा ये टायर्स के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने कंकर रखे हैं और ये बहुत अंदर है, कार को जंप लगा के ये दूसरे वाले टायर के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रेत रखा है, फिर तीसरे वाले टायर के अंदर आना पड़ेगा, फिर कार को टर्न लेके इसको तोड़ना पड़ेगा। गाइस देख रहे हो ये थर्माकोल को तोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने एक और थर्माकोल रखा है, इसको भी बहुत पावरफुल तरीके से तोड़ के हमारी कार को ये क्लाइम करना पड़ेगा। फिर कार आएगी ये टेबल के ऊपर, टेबल पर से कार को निकल के यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस तरीके के होल्स मैंने डाल रखे हैं, कार इसके ऊपर से नीचे उतरते समय इसके अंदर आकर फंस भी सकती है। तो जो भी कार यहाँ नीचे उतर के यहाँ तक पहुंचेगी वो होगी आज के ट्रैक की चैंपियन। देखते हैं इस कौन सी कार जीतती है आज। सबसे पहले ट्रैक के ऊपर मैं चलाने वाला हूँ बैटमैन बैटमोबाइल पावरफुल आरसी कार को। देखते हैं गाइस यहाँ से ये निकल के जीत पाएगी या फिर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ भाई इसको तो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक काम करते हैं अभी गियर चेंज करके इसको चलाने के लिए ट्राई करते हैं। ये मैंने गियर चेंज कर दिया, भाई इसके अंदर देखो पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है गियर चेंज करते ही।
ओ माय गॉड, ओ इधर आकर फंस गई थी। अब इसको इसके ऊपर से चढ़ाई करके निकालने वाला हूँ। माय गॉड, देखते हैं ये ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। भाई ये तो पूरी शेक हो रही है यार। ओ इसको यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल रही है, थोड़ा सा स्पीड चलाने के लिए ट्राई करते हैं इसको, यहाँ देखते हैं। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। मैंने इसको सेकंड गियर में ही ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी तो यहाँ पर आकर ये इस तरीके से पलट चुकी है। गाइस मेरे को लगा था कि भाई ये काफी आराम से चढ़ जाएगी, सैडली ये ट्रैक के बाहर हो चुकी है। देखते हैं गाइस क्या ये हमारी सिक्स व्हील मॉन्स्टर कार चढ़ पाएगी या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं। ओके मैं इसको चला रहा हूँ। भाई सिक्स टायर्स होने के कारण इसके अंदर पावर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो अब ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं इसको। वो भाई मज़ा आ गया यार इसको चला के। ये तो ट्रैक से बाहर हो रही थी, मैंने इसको वापस से सीधा कर दिया है। गजब की है, ये देखो इधर तक पहुँच चुकी है। अभी मैं इसको नहीं रोकता तो ये सीधा नीचे गिर जाती। अब इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं गाइस। ओ भाई इसकी भी कंट्रोलिंग थोड़ी सी ख़राब मेरे को लग रही है यार। धीरे धीरे से मैं इसको ऊपर चढ़ाऊंगा इसी तरीके से। इधर तक तो ये पहुंच चुकी है। ये लो भाई वापस से पीछे जा रही है ये। देखो अभी इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भाई ये कार भी आधे रास्ते में ही पलट चुकी है यार। भाई ट्रैक इतना ज्यादा खतरनाक बनाएगी, छह व्हील वाली टायर भी इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। अब मैं ये बड़ी सी ग्रेव डिगर को चलाने वाला हूँ गाइस, देखते हैं ये चलती है या फिर ये भी ट्रैक से बाहर हो जाती है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना यार। ओ भाई इसकी पावर देखो कितनी ज़्यादा है। ओ माय गॉड यार ये तो रेत ही खोद रही है यहाँ पे। यार इसके टायर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होने के कारण ये कार काफ़ी आराम से देखो इतनी खतरनाक सी रेत के अंदर से भी निकल चुकी है। देखते हैं क्या ये ऊपर चढ़ाई कर पाएगी या फिर नहीं। ऑलमोस्ट सभी कार्स यहाँ पर आकर नीचे गिर रही थी। ओ इसके अंदर देखो प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग दी गई है, इस वजह से ये कार को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है इतनी ऊपर चढ़ने में। अब इसको यहाँ से मैं नीचे उतारने वाला हूँ। ओ भाई सही तरीके से मैंने इसको ब्रेक लगा के रोक दिया है यहाँ पे, तो अब इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं यार। यहाँ से एक शार्प टर्न लेना होगा इसको, ये इसने शार्प टर्न ले लिया है। तो अब हमारी कार को चलना होगा रिंग्स ऑफ फायर के अंदर से, देखते हैं गाइस ये निकलती है या फिर यहाँ पे जल के रह जाती है। चला दिया मैंने इसको। ओ भाई काफी तगड़े तरीके से ये निकल के आ चुकी है टायर के ऊपर। अब दूसरे टायर में से भी निकल चुकी है, तीसरे टायर में से भी निकल चुकी है। भाई साहब क्या ही खतरनाक है यार अपनी ग्रेव डिगर। अब देखो गाइस सबसे मुश्किल वाला टास्क आ चुका है इसके सामने, कार को तोड़ना होगा थर्मोकॉल को। देखते हैं गाइस। ओहो पहले थर्मोकॉल को तो इसने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। थोड़ा सा पीछे लेके अभी मैं इसको बहुत स्पीड से चलाऊंगा। दूसरे थर्मोकॉल को नहीं तोड़ पा रही है गाइस ये, फिर एक बार ट्राई करते हैं। तोड़ दिया इसने भाई साहब सक्सेसफुली। अब इसको ऊपर चढ़ाते हैं। अब इसके टायर्स थोड़े से स्लिप हो रहे हैं ये देख रहे हो, क्योंकि अभी अभी कीचड़ में से निकल के आई है। एक और बार ट्राई करते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। ओ माय गॉड काफ़ी आराम से ऊपर चढ़ चुकी है। ओ तेरी भाई यहाँ तक आकर यह स्लिप होने लग रही है। ओ नो शिट, ये कार भी ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आकर, अरे नहीं। तो सैडली गाइस मेरे को पूरा भरोसा था कि ये ऊपर चढ़ेगी, पर क्या कर सकते हैं इसने रूल तोड़ दिया है, इसको भी अभी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सभी कार्स ट्रैक से बाहर हो चुकी है, अब ये वन एंड ओनली सस्ती मॉन्स्टर कार बची है। इसको चलाते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। ओहो भाई इसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पर देखो यहाँ तक तो ये पहुँच चुकी है। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है गाइस। अब यहाँ से इसको मैं आगे इसी तरीके से बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे से इसको ग्रिप मिलने लग रही है। अब फाइनली हमारी कार यहाँ तक पहुँच चुकी है। चढ़ा रहा हूँ मैं इसको, इसके टायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं। ओ तेरी भाई देखो ये इधर तक काफ़ी आराम से पहुँच चुकी है। ओ हो क्या ही सही तरीके से बैलेंस होकर यहाँ पर आकर ये रुकी है। अब इसको ऐसे ही आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं, देखते हैं गाइस क्या आज ये सस्ती मॉन्स्टर कार जीतेगी या फिर नहीं। ठीक है अब इसको देखो रिंग्स ऑफ फायर में से मैं निकालने वाला हूँ। भाई थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है, चलो चलाते हैं इसको, देखते हैं गाइस ये निकलती है या फिर नहीं। ओ भाई नहीं गाइस ये तो फंस गई थी, मैंने इसको वापस ले लिया है। यार मेरे को तो लगा था कि ये जल ही जाएगी,
फिर से एक बार ट्राई करने वाला हूँ मैं। ओह नो गाइस ये जल जाएगी, मैं इसको निकाल लेता हूँ। भाई जैसे ये कीचड़ के अंदर जा रही है तो इसके टायर्स को कीचड़ पकड़ रहा है और आग में ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही है। गाइस एक बार देख लेते हैं ये सही सलामत है या फिर नहीं। ओ तेरी, ना तो इसकी स्टीयरिंग काम कर रही है ना तो मोटर काम कर रही है। इसके मोटर्स को आग लगने के कारण मेरे को लग रहा है कि ये ओवरहीट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। ये क्या हो गया आज? इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर कार्स मैंने लिए थे पर आज का ट्रैक इतना ज्यादा हार्ड हो चुका है कि कोई भी कार उसके ऊपर से निकल नहीं पाई है। इसलिए अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये टैंक को आज ट्रैक के ऊपर चला के देखूं। तो टैंक को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखते हैं गाइस क्या आज ये टैंक हमारे ट्रैक को पार कर पाएगी या फिर नहीं। ओके स्टार्ट कर दिया मैंने। ओह टैंक को तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हो रही है यार यहाँ पे चलने में। देखो इसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। ओ नहीं, यहाँ पर इसके जो ट्रैक्स हैं रेत के अंदर थोड़े से फंस गए थे, तो अभी इसका गियर चेंज करता हूँ मैं। ओ गियर चेंज करते ही देखो निकल के आ चुकी है भाई। इसके अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा दी गई है यार, देख रहे हो किस तरीके से चल रही है। देखते हैं ऊपर क्लाइंब कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इसके ट्रैक्स के ऊपर पूरी रेत चिपकी हुई है। यहाँ पर इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पर भाई इसके अंदर कितनी ज़्यादा तगड़ी पावर है आप देख सकते हो। काफ़ी आराम से यहाँ तक ये चढ़ के आ चुकी है। अब इसको नीचे उतारते हैं यहाँ पे, तो मैं धीरे से नीचे उतारने वाला हूँ गाइस। ये देखो काफ़ी मस्त तरीके से फिसल के नीचे आई है। अब ऐसे ही आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं इसको गाइस। भाई टैंक चलाने में अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से इसको टर्न करा दिया मैंने। यहाँ पे तो यार कितनी ज्यादा लपटे निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि आग का बवंडर आ चुका है यहाँ पे। चलाते हैं इसको। ओ भाई क्या ही चल रही है यार इतनी गहरी आग में भी। इसने तो पीछे जो आग लगी थी वो आग को ही बुझा के रख दिया था, इतनी ज्यादा पावरफुल है हमारी RC टैंक। ओह इधर थोड़ा सा फंस रही थी तो इसको मैं स्पीड से निकालने के लिए ट्राई करता हूँ। भाई साहब जंप मार गए, ये टायर के अंदर आ चुकी है। अब ये टायर से इसको दूसरे टायर में लेके जाने वाला हूँ मैं। यार देख रहे हो यहाँ से फिसल रही है टायर के ऊपर। दूसरे टायर में आ चुकी है। अब इसके ट्रैक्स को पूरी रेत लिपट चुकी है। अब यहाँ से तीसरे टायर में जंप कराते हैं। इधर भी सत्यानाश हो चुका है इसका। पता नहीं गाइस आज क्या हो चुका है, ये ट्रैक इतना ज्यादा मुश्किल बन चुका है कि कोई भी कार इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये ट्रैक की भी हालत आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पड़ी है। इसको मैं सीधी करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बिल्कुल भी सीधा नहीं हो पा रही है। तो शायद मेरे को इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी बनाना चाहिए। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ये ट्रैक के ऊपर कौन सी ट्रैक्स की कार मेरे को चलानी चाहिए। आज मैं दे रहा हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है हसन, राकेश, दीपक, शरीफ, कुमार, ईशान, मुदस्सिर, प्रीतम, मोहित, अशित। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।